1931 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। बॉलीवुड में दस्तक देने वाले शम्मी की पहली फिल्म जीवन ज्योति थी। शम्मी रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। बॉलीवुड फिल्मों में शम्मी कपूर अपने विशेष नृत्य और रोमांटिक अदाओं से अभिनेत्रियों का दिल जीतने वाले दिग्गज कलाकार थे। शम्मी ने साल 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए पहली बार सफलता का स्वाद चखा था। इसके बाद शम्मी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। फिल्म जंगली ने शम्मी की याहू छवि को बनाया और यह फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। शम्मी की दिलकश शख्सियत ने चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना और प्रोफेसर जैसी फिल्मों की सफलता में अहम योगदान दिया। तमाम सफलताओं के बावजूद आलोचकों ने उनकी फिल्म की कहानियों को हल्का और उनकी अदाकारी की आलोचना की, लेकिन ब्रह्मचारी और तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों में संवेदनशील अदाकारी से शम्मी कपूर ने अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया। 1951 में आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। जनसंघ पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था और इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 2 सीटें हासिल की थी, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे। भारत विभाजन की योजना को जब स्वीकार कर लिया गया, तब डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खंडित भारत के लिए बचा लिया। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वह खंडित भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जल्द ही अपना विशेष स्थान बना लिया, लेकिन उनके हिंदू राष्ट्रवादी चिंतन के साथ साथ बाकी नेताओं से मतभेद बने रहे, जिसकी वजह से उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। 1952 में जाने माने अफ्रीकी राष्ट्रवादी नेता जोमो केन्याटा को कीनिया पर काबिज ब्रितानी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। केन्याटा के ऊपर आरोप था कि वह लोगों को भड़का रहे हैं। केन्याटा आजादी के पक्षधर स्थानीय समूह माऊ माऊ के महत्वपूर्ण नेता थे। जोमो केन्याटा ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों का खंडन किया, लेकिन केन्याटा को अदालत ने 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुना दी। इतिहासकार इस मुकदमे को स्थानीय सरकार द्वारा गलत ढंग से चलाया गया मुकदमा बताते हैं। साल 1959 में केन्याटा की सजा पूरी हुई और उनके ऊपर लगे तमाम बंधन साल 1961 में उठा लिए गए। इसके बाद केन्याटा केनियन अफ्रीकन नेशनल यूनियन के अध्यक्ष बने और साल 1963 में कीनिया की पहली स्वशासित सरकार के प्रधानमंत्री बने। 1966 में ब्रिटेन के वेल्स में एबरफैन के नजदीक की कोयला खदानों के पास खदानों से निकले कोयले के एक पहाड़ के धसकने से 144 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। ये घटना स्थानीय समय के अनुसार करीब सुबह के 9:30 बजे घटी, जब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे अपनी कक्षाओं में जमा होना शुरू हुए थे। कुछ बच्चे स्कूल के बाहर मैदान में खेल रहे थे। हालांकि एकदम से राहत कार्य शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि घटनास्थल घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। इसी घने कोहरे के कारण पास के गांव के 50 बच्चे स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाए थे और उनकी जान बच गई। इस घटना में बचे 10 साल के एक बच्चे ने बताया कि उन लोगों ने अचानक एक आवाज सुनी और उनके चारों ओर टेबलें कुर्सियां पलटने लगी और बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। और आज एक दिन 2012 में भारत के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का निधन हुआ था। भारतीय फिल्मों में प्रेम और रोमानियत की जो तस्वीर यश चोपड़ा ने बनाई, उसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। धूल का फूल, वक्त, दीवार, जंजीर, कभी कभी, सिलसिला जैसी फिल्मों के साथ उनका करियर खूब परवान चढ़ा। एक वक्त था जब बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के चंगुल में था और यश चोपड़ा फिल्म चांदनी के साथ लोगों को प्यार मोहब्बत की दुनिया में वापस ले आए। इसके बाद उन्होंने लम्हे बनाई जो उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इसके बाद डर, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी फिल्मों के रूप में उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में दर्शकों को दी। बतौर स्क्रीन प्ले लेखक, निर्देशक और निर्माता यश चोपड़ा जीवन के अंतिम सालों में भी खूब सक्रिय रहे थे। यहाँ तक कि उनकी निर्देशित आखिरी फिल्म जब तक है जान उनकी मौत के बाद रिलीज हुई।